जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर का क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर में जो जो पेपर पढ़ाए जाते हैं मैथ में, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद हम लोग जो है पहले यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा पेपर होता है। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो पहला पेपर है वो लीनियर अलजबरा, ठीक है, लीनियर अलजबरा एंड मैट्रिसेस, इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल फॉर्म। इसके बाद जो तीसरा पेपर होता है वो मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स। यहाँ देखेंगे आप लोग कि मैकेनिक्स जो पार्ट है इनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक काइनेमेटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स जैसे कि हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, तो जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है इसको जो है बाद में पढ़ाया जाएगा। और फर्स्ट पेपर हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के दो भागों में डिवाइड है, एक स्टैटिस्टिक और दूसरा है डायनेमिक। देखिए स्टैट्स में डायनेमिक में जो है आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ, सेंट्रल ग्रेविटी हुआ, मतलब इस प्रकार के जो है यहाँ पोर्शन रखे हुए हैं। स्टैट में जैसे आपका काइटेनरी वाला पोर्शन जो है इसमें आ जाता है, तो जब इसको पढ़ाया जाएगा तो स्टार्ट किया जाएगा। कुल मिला जुला के बीएससी सेकेंड ईयर में अगर देखा जाए तो तीन पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस होता है, जो दूसरा पेपर होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल फॉर्म होता है, यानी कि मेनली जो है डिपेंड ऑन जो ओडीपीडी होता है इसे बिलोंग करेगा इसमें सब। और मैकेनिक्स जो है वो स्टैट और डायनेमिक, जैसे इंटरमीडिएट में जो वेक्टर वाला पार्ट होता है वो स्टैट से रिलेटेड होता है, तो वैसे यहाँ भी है कुछ ऐसे पार्ट हैं जो वेक्टर के रूप में हम लोग यहाँ प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तीन पेपर आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, तो जिसमें से हम लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस चालू करेंगे। ये जो है कि लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो मैट्रिसेस होता है ये जो है बहुत आसान टॉपिक होता है, ये इंटर से मिला कर डिटर्मिनेंट जो सारणी और आदि होता है उसी से रिलेट करता है। सबसे टफ वाला जो पार्ट होता है वो लीनियर अलजेब्रा होता है, इसमें वेक्टर स्पेस है, होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, और क्या कहते हैं इसी से रिलेट चैप्टर जो बनाए गए हैं जैसे रैंक नलिटी थ्योरम हुआ, बेसिस हुआ, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ जो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे मैथमेटिकल बाइनरी ऑपरेशन ऑन नंबर। देखिए लीनियर अलजेब्रा पढ़ने से पहले जब तक उसके फीचर के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा तब तक आप उस चीज को अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते। इसलिए लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा अगर आप लोगों को पढ़ना है तो उसके बेसिक फीचर को समझना पड़ेगा, तभी जाके समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत इसमें टॉपिक है जो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब बेस मजबूत रहेगा, थ्योरी मजबूत रहेगा, क्योंकि इस ये जो आपका बीएससी सेकंड ईयर का पेपर होता है राइट डाउन करने के लिए आता है, लिखने के लिए आता है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए आपको जो है मेहनत से मन से पढ़ना है, तब जाके जो है आप लीनियर अलजेब्रा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो याद नहीं होता लेकिन याद करना पड़ता है, वैसे लीनियर अलजेब्रा में कुछ ऐसे चीज़ें हैं या ऐसे थ्योरम हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं आपको याद करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि बेसिक बाइनरी ऑपरेशन ऑन नंबर क्या क्या होता है। तो बेसिक ऑपरेशन
बेसिक बाइनरी ऑपरेशन वाले नंबर में हम लोग सबसे पहले देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर शुरुआत होता है तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होता है? नंबर से शुरुआत होता है। तो नंबर और सेट दो दो ही चीज़ होते हैं, क्योंकि नंबर से सेट बनाए जाते हैं। जब सेट आ जाता है तो उसी के मतलब वो सेट जो है उस सेट के साथ जितने ही हम लोग मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर उसके साथ प्रयोग करते जाएंगे तो वो प्रयोग जो है एक समय इस प्रकार का प्रयोग बन जाता है कि जैसे ग्रुप बन जाता है, ग्रुप वाइज बन जाता है, मोनोवाइड बन जाता है। जैसा कि जो है फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हैं ग्रुप वाला चैप्टर, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपका लीनियर अलजेब्रा होता है। तो मैथमेटिकल बाइनरी ऑपरेशन वाले नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें एक चीज बताएंगे, नॉन इनपुटी सेट क्या होता है? नॉन इनपुटी सेट, देखिए नॉन इनपुटी सेट जो होता है वो एक प्रकार का समुच्चय वाला सेट होता है। जैसे इसको पैटर्न ए है, या इसको अगर हम जी को नॉन इनपुटी सेट कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? यानी कि एनी सेट जी इज सेट टू बी नॉन इनपुटी सेट इफ इट कंसिस्ट सम एलिमेंट इन अ सेट। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट जरूर है। यानी कि अगर हम जी को जी इज सेट टू बी नॉन इनपुटी, नॉन इनपुटी मतलब जो खाली नहीं, ठीक है, नॉन इनपुटी हमने कहा, तब हम कहेंगे इफ इट कंसिस्ट सम नंबर ऑफ एलिमेंट, सम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। इस सेट में जो है कुछ न कुछ एलिमेंट होते हैं, इसीलिए इस सेट को नॉन इनपुटी सेट कहा जाता है। सेट ऑफ ऑपरेशन कैसे बनता है? देखिए सेट ऑफ ऑपरेशन कैसे बनता है, ध्यान से समझेंगे तो 100% हमको विश्वास है कि आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग नॉन इनपुटी सेट समझ चुके हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए आपको ये नॉन इनपुटी सेट लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि जी कोई एक ऐसा ऑपरेशन है, ओ ऑपरेशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन में कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लस का होता है, माइनस का होता है, डिवाइड का होता है, ठीक, और मल्टीप्लाई का होता है। ये मैथमेटिकल बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। और जो डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस इसका अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रोल होता है, क्योंकि एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, ठीक। तो सेट ऑफ ऑपरेशन में अगर हम कोई ऑपरेशन मान लेते हैं, वो एक ऑपरेशन वो है जो जी क्रॉस जी से किस पे जा रहा है, जी पे जा रहा है। अब जी क्रॉस जी मैंने फंक्शन रिलेशन मैपिंग ये सबका लेक्चर आपके पिछले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं, तो हमको विश्वास है कि वो लेक्चर आप लोग जरूर देख लेंगे। अगर वो लेक्चर अच्छे तरीके से आप देखते हैं तो आपके समझ में पूरा का पूरा जो है मैटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जी क्रॉस जी हमने लिया, जी से जी में लिया, तो एक जो है ये सेट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है जो जी क्रॉस जी से जी में। जी क्रॉस जी क्या होता है? जी क्रॉस जी मतलब एक ऐसा सेट होता है, मान लेते हैं ए कॉमा बी, ठीक है, यानी कि ए जो है सेट जी का होना चाहिए और बी भी सेट जी का होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ए बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में इसको हम यहाँ डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो ऑपरेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से दूसरे नॉन इनपुटी सेट पे डिनोट करता है, तो यही ऑपरेशन क्या कहलाता है, सेट ऑफ ए ऑपरेशन कहलाता है। हमको विश्वास है कि सेट ऑफ ऑपरेशन आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि सेट ऑफ ऑपरेशन से ही निकल के आता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आ जाता है तो वही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ग्रुप बनाता है, ग्रुप वाइड बनाता है, मोनोमायर बनाता है, फील्ड बनाता है, रिंग बनाता है, डोमेन बनाता है, कोडोमेन बनाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आगे आएंगे, रिंग है, सब रिंग है, बहुत बहुत ऐसे छोटे छोटे पार्ट हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बस उसी के आगे थोड़ा सा उसमें पिछले वाले कॉन्सेप्ट को लेते हुए वेक्टर स्पेस को थोड़ा सा हमको जोड़ना है। जब आप इसको जोड़ ले जाएंगे तो विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ विकसित कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑपरेशन आप लोग समझ चुके, नॉन इनपुटी सेट समझ चुके। अब हम लोग चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन वाले नंबर, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन आपके नंबर जो होता है अगर सही सही देखा जाए
तो हम लोग जानते हैं जो फंडामेंटल ऑपरेशन वास्तव में मैथमेटिक्स का होता है, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन अ नंबर, ठीक, ये चार होते हैं। पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन, तीसरा होता है सब्ट्रैक्शन, चौथा होता है डिवीजन, ठीक है। जो एडिशन होता है ये आपको प्लस के रूप में डिनोट किया जाता है या ओ के रूप में डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं जो है इसको दूसरे लफ्ज में इसको हम डिनोट करते हैं प्लस को, ठीक है, ऐसे करके सिंबल डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं जो है इसको ऐसे करके प्लस के रूप में भी दिखा दिया जाता है जिसको डायरेक्ट सम कहते हैं। मल्टीप्लाई को जो है डॉट से, स्टार से, इस स्टार से, ठीक है, इस प्रकार जो है इसको हम डिनोट करते हैं। सब्सट्रैक्शन को जो है माइनस से, और ये भी ऋणात्मक डायरेक्ट सम होता है, ठीक है, इस रूप में हम डिनोट करते हैं। डिवीजन को, डिवीजन एक प्रकार का क्या होता है, मल्टीप्लाई का रूप होता है। अगर डिवीजन है या इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको डॉट भी कर सकते हैं, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एक ही होता है। याद रखिएगा जो ग्रुप होता है वो निगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन को बहुत कम सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो ये चार प्रकार के आपके क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इन चार प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा हम लोग विभिन्न नंबरों का जो है ऑपरेशन बनाएंगे अलजेब्रा में, तो कैसे बनाएंगे अब इसको हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। कुल मिला मिला के आप लोग याद रखिएगा जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, ठीक है। ये चार प्रकार के जो सिंबल्स हैं इन्हीं को जो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन आने मैथमेटिकल करते हैं। और ऐसे सही सही मतलब इसको समझा जाए तो ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर, सही सही इसको समझा जाए। अब आते हैं हम लोग आते हैं कि इसके जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं नंबर पे कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर ला के लिए हम लोग देखते हैं, क्लोजर ला, क्लोजर ला इसको जो है संवर्त नियम भी कहते हैं हिंदी में। तो क्लोजर ला के लिए कैसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, तो क्लोजर ला जो होता है इसमें क्लोजर ला में दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई एक सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर रियल नंबर या नॉन इंपटी सेट अगर आपने जी माना सेट ऑफ ऑपरेशन तो उसी के लिए लेकर चलना है। जैसे अगर सेट ऑफ ऑपरेशन इन टू भी माना है तो स्टार सच डेट जी क्लास जी, यहाँ देखिएगा टू जी, ठीक है, फॉर ऑल जी क्लास जी बराबर क्या है, एक्स इक्वल टू है, इसमें दो एलिमेंट लेते हैं ए कामा ए और बी, तो सच डेट ए कामा बी बराबर टू जी लेते हैं, ठीक। तो जो यहाँ का एलिमेंट है वही यहाँ का एलिमेंट है और ये मल्टीप्लाई इस पर डिफाइंड है, तो इसके लिए क्लोजर ला क्या होगा, अब यही जो है मल्टीप्लाई के स्थान पर अगर ये क्या दे दिया वो मतलब प्लस में बताया है, वो प्लस क्या होता है एक ही होता है। तो जी क्रॉस जी सच डेट जी फॉर ऑल हम लोग कह सकते हैं जी क्रॉस जी इक्वल टू यस, यस ऐसा है कि यस बराबर एक आमा भी सच डेट एक आमा भी मिलाने को जी, पर वही चीज डिफाइंड है दोनों में। अब ये जो है मल्टीप्लाई के लिए है और एक इसके लिए है एडिशन के लिए है, ठीक। तो दो के लिए हम लोग यहाँ वर्क करेंगे। तो देखिए क्लोजर ला समझने के लिए हम सेट ऑफ एक नॉन इनपुटी सेट लेंगे और एक सेट ऑफ ऑपरेशन लेंगे, ठीक। जब दोनों को लेते हैं और उसमें एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं नंबर स्टेबलाइज करते हैं जिसके जरिए हम लोग क्लोजर ला को जो है वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इस ला को जो है भाषा में क्या बोलते हैं, एक्जिम बोलते हैं, ठीक है, एक्जिम भी सब यही होता है, ठीक है। तो क्लोजर ला में पहला हम लेते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्लोजर ला क्या होता है, लेट कैपिटल ए या कैपिटल जी बी ए नॉन इनपुटी
सेट, हमने मान लिया कैपिटल जी क्या है, एक नॉन यूनिट सेट है। तो इसी में दो एलिमेंट हम मान लेते हैं कि कामाजी मिलान इसमें है जी में, देन तब हम दो के लिए कर सकते हैं। पहला है क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, यानी कि क्लोजर लॉ फॉर एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन मतलब आप लोग जानते हैं अगर जी में ए बी एलिमेंट है, मतलब दो एलिमेंट जी में मिलान कर रहा है, तो एक कामा बी मिलान टू जी विच इम्प्लाइज दैट इनका जो प्लस होगा वो ही किसने मिलान करेगा, जी में करेगा। तो यही तो संपर्क नियम है, इसी को क्या बोलते हैं क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। अब दूसरा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम मान लेते हैं ए कामा बी मिलान टू जी में है, तो विच इम्प्लाइज दैट ए मल्टीप्लाई बी मिलान को क्या होगा, जी में। इसको समझना है कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए जी में कोई हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, तीन एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार का सेट है, तीन चार पाँच ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम ए बराबर क्या वन मान लें और बी बराबर टू मान लें, तो इनको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, यानी कि ए बी भी इसी सेट का एलिमेंट है, मतलब वन और टू भी इसी सेट का एलिमेंट है, फिर इसको जोड़े तो थ्री आ गया, थ्री भी इसी एलिमेंट का सेट है। तो अगर ऐसा प्रक्रिया होता है तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, क्लोजर लॉ को शो करेगा। इसी प्रकार मल्टीप्लाई के लिए भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे अगला जो है लॉ आता है, क्लोजर लॉ के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव ना, इसको सहचर एलिमेंट भी बोलते हैं। इसमें तीन एलिमेंट लिया जाता है, ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ए कामा बी कामा सी बी द थ्री एलिमेंट इन सेट जी, देन तब हम कैसे कहेंगे, तो हम यही कहेंगे कि ए प्लस बी, मतलब पहला इसके लिए है एडिशन के लिए, पहला जो है एडिशन के लिए होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो फॉर ए कामा बी कामा सी मिलान के बाद जाएगा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले ब्रैकेट में एक साथ दिया, फिर अगले वाले में इसको छोड़कर पहले वाले छोड़ कर इन दोनों को साथ दे, दोनों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको वेरीफाई करना है, तो आप जो है सेट कोई मतलब जी में कुछ एलिमेंट ले लीजिए, उसके बाद उसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि वही पूरा प्रक्रिया आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बस सेम पोजिशन वही हो जाता है, जैसे ए मल्टीप्लाई बाई बी फिर मल्टीप्लाई सी इक्वल टू फिर ए मल्टीप्लाई ए इन ब्रेकेट बी मल्टीप्लाई सी इन ब्रेकेट फरहाल ए कामा बी कामा सी मिलान पाँच हो जाएगा जे हो जाएगा। तो ये दोनों जो है क्या हो गया, एडिशन के लिए हो गया और मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया एसोसिएटिव का। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव का, एक एक लाख देखते जाएंगे, सॉरी क्वांटिटेटिव का, क्वांटिटेटिव कम्युनिटी का क्या होता है, हम इसमें कम्युनिटी का में केवल दो एलिमेंट मानते हैं जी, ठीक है, पूरा यही प्रक्रिया पूरा रहेगा। इसके बाद हम कहेंगे इसमें पहला एडिशन के लिए लेंगे, एडिशन मतलब फॉर एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कुल मिला मिला कहेंगे कम्युनिटी मतलब होता है क्रम गिरने के लिए, ठीक है, अगर ए प्लस बी है तो उसको बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, और जो एलिमेंट सेट में है उसको सेट में ही हो, ठीक है। दूसरा फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, यानी कि अगर हम ए मल्टीप्लाई बी कर लिए तो इसको बी मल्टीप्लाई ए भी कर सकते हैं, ये क्या होगा आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो ए का मान बी मिला कहाँ चला जाएगा जे भी चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब एसो पहला है क्लोजर लॉ होगा, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा कम्युनिटिव, चौथा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
दिस ट्री यू टेक बाय, इसको बोलते हैं वितरण। ठीक है, तो वही चीज मानेंगे लेट ए कामा बी कामा सी मिलान को सेट जी देन। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो हम लोग थ्री एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जैसे ए को बी में जोड़ लेंगे। ठीक, फिर मल्टीप्लाई ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी प्लस सी, तो क्या होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिवर। ठीक है, तो इसको बांटेंगे ए मल्टीप्लाई बी हो गया, बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी हो गया, तो फारा हम कहेंगे ए कामा बी कामा सी मिलान टू आ जाएगा जी मिल जाएगा। ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब इस ए को इन दोनों में क्या कर रहा है बांट रहा है, ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब दूसरा हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के अलावा, ये तो आपका होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एल बी एल, और दूसरा होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ए प्लस बी को पहले लिख लिया मल्टीप्लाई तीसरे वाले से कर दिया, तो ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई क्या होगा सी, तो फारा हम कह सकते हैं ए कामा बी कामा सी मिला टू जी, तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक जो है कैंसिलेशन लॉ भी होता है, तो कैंसिलेशन लॉ भी समझाते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है और राइट कैंसिलेशन लॉ होता है। सबसे पहले लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, एल सी एल, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में हम लोग जो है दो एलिमेंट लेते हैं, लेफ्ट ए का मतलब बी का मतलब सी जी, तो जैसे ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, यानी कि अगर लेफ्ट में दोनों बराबर हैं तो विच इम्प्लाई लेट क्या लेता है बी इक्वल टू सी, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग इसमें चला जाएगा जी बी में, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगला राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, राइट कैंसिलेशन में यही से मिलता हो जाता है, जैसे अगर ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बी कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए तुरंत राइट में बराबर है, तो इसलिए क्या बोला राइट कैंसिलेशन का ए इक्वल टू सी, फारा ए कामा बी कामा सी मिलान को कहाँ चला जाएगा जी में चला जाएगा। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स, यहीं से बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन बनता है, पूरा जो है वेक्टर स्पेस अलजेब्रा यहीं से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस और अलजेब्रा यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दो के लिए होता है, पहला फॉर एडिशन के लिए होता है, दूसरा फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। ठीक है, एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए जैसे अगर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए मिलान टू सेट जी में है। ठीक है, तो अगर ए मिलान टू सेट जी में है तो देन देयर एग्जिस्ट, हमने एडिशन के लिए लिया है तो एडिशन के लिए लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जीरो, जीरो मिलान टू अगर जी में है देन देयर एग्जिस्ट, तो सच राइट हम कह सकते हैं ए प्लस जीरो इक्वल टू ए बराबर जीरो प्लस ए। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरो है ये क्या हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, इसी को क्या बोलते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। मल्टीप्लीकेशन के लिए चलते हैं, तो अगर ए दिनांक टू जी में है, ठीक है, तो देन रियर एग्जिस्ट के सिंगल देन रियर एग्जिस्ट का होता है। ठीक है, देन रियर एग्जिस्ट अगर ई दिनांक टू जी में हो जाए तो सच दैट क्या हो जाएगा ए इंटू ई इक्वल टू ई का मान वन होता है, आइडेंटिटी होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए होता है, और फिर ई इंटू ए हो गया, एक कॉम्पिटेटिव लॉ का पालन करता है, ये भी जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है ये भी कॉम्पिटेटिव लॉ का पालन करता है,
जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो भी क्रिएटिव लॉ का इसका जो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो देखिए यहाँ तो जो ई है तो ई क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसी प्रकार जो है होता है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन अभी तक पूछा जाता है जब वेक्टर स्पेस लोग बनाते हैं ग्रुप में, ठीक है। अब इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है यहाँ देखेंगे। पहला मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट ए है जो जी में, ये तो हर एक जगह मानना पड़ेगा आप लोगों को, तो हमने मान लिया कि ए जो एलिमेंट है वो कहाँ है, जी में है। जब ए एलिमेंट जी में है तो इसको जो है हम किस रूप में वहाँ लिख सकते हैं, यानी कि पहला बनेगा एट संख्य ए डब्ल्यू डी वाई टी एट संख्य मतलब एट संख्या इनवर्स, ठीक है। तो क्या बनेगा एट टी इनवर्स, जैसे अगर ए है, ठीक है, ए में माइनस ए जोड़ देते हैं तब क्या आ जाता है जीरो, ठीक है। या यहाँ से लेते हैं अगर ए जो है बिलोंग टू जी में है और माइनस ए यानी कि देन रियल एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर जाए माइनस ए बिलोंग टू जी, तब हम सच डेट कह सकते हैं कि ए प्लस माइनस ए इन दोनों का योग इक्वल टू जीरो होगा, फिर इसके बराबर हो जाएगा माइनस ए प्लस ए, यानी कि जब दो संख्याओं का योग जीरो हो जाए तो पहले संख्या का जो दूसरी संख्या होता है उसका उल्टा, मतलब जो संख्या दिया गया होता है उसी का उल्टा वाला संख्या क्या कहलाता है, एडिटिव यूनिवर्स कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं वेयर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, क्या हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया। अब चलिए इस पर मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है दूसरा हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या मानेंगे, इसमें एक एलिमेंट मान लेंगे जी में, देन दियर एग्जिस्ट, अब यहाँ माइनस ए मतलब इसी का उल्टा हम इसमें एग्जिस्ट करा देंगे, ए भी जो है जी का एलिमेंट होगा, और सच दैट ए इनटू ए का इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, या ए इनवर्स इक्वल टू ए, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दोनों जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं वेयर ए का इनवर्स इज क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि आप लोग देख लिए माइनस ए को एडिटिव इनवर्स कहते हैं और ए इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव, ए इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं और इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अभी ये पिछले मैंने बताया था ई को जो है क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से आपके चार क्वेश्चन बनते हैं, जो कि इस वीडियो में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और कोशिश हमारा यही रहेगा कि वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले आप लोग जो है बेसिक ऑपरेशन ऑन मैथमेटिक्स जो ये वीडियो हम अभी बना रहे हैं यानी बना चुके हैं तो इसको ज़रूर देखें। इसको देखने के बाद जो अगला वाला वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके समझ में पूर्ण रूप से आएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब ऑपरेशन बार बार प्रयोग में लाया जाएगा। हम कोशिश करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसी के आगे ही मतलब इसके आगे जो टॉपिक है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।